क्या प्रॉब्लम है? तो आज का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल कुछ लोग नहीं आए, कौन कौन नहीं आए? सर एक ये तो हम लोगों को मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो सेकंड टर्म में आएगा, उसको हमने छोड़ दिया। स्टार्ट क्या किए हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हमने एक्सप्लेन किया था, डिराइव किया था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना? तो आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला एक बार फिर से समझ लेते क्या है कि सपोज दैट देयर आर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वन वाई वन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज एक्स टू वाई टू। फिर साइलेंट में आएंगे तो इसकी आवाज आएगी। तो ये पी क्यू दो पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम पी। क्यू की डिस्टेंस पी से कितनी है या पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना? अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? वो ये होता है जैसे पी क्यू निकालना है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको इतना याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज का आप लगा सकते हैं। याद रखिए पी क्यू, अब पी क्यू पूछा जाएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो आप पी क्यू को बोलें या ए बी बोलें, एम एन बोलें, एक्स वाई बोलें, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बताएं कि डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है? याद है सबको? कितने लोगों को याद हो गया है? बाकी लोग याद कर लो फटाफट, इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन लगाए भी थे। एक्सरसाइज कितना है? 7.1 और क्वेश्चन आज कौन सा हमको बताना है? दो तीन हमने सेवन से बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेवन बताता हूँ, बाकी आप उसमें धीरे धीरे समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है? पहले समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन रीड कीजिए। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and 2 minus 2 9. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, एक बार हम भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। तो दो पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट का नामकरण आप कर सकते हैं, पी क्यू नाम लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 माइनस 5 और माइनस टू नाइन, ठीक है ना? ये दो पॉइंट दिए गए हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, हमने डिस्टेंस तो बना दिया लेकिन ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि P और Q, Q को थोड़ा इधर लिख दें, नहीं हटा देते हैं। पूछ रहा कि एक ऐसा पॉइंट जो कि x एक्सिस का पॉइंट है वो P और Q से बराबर दूरी पर है, तो क्या वो पॉइंट यहां हो सकता है? कोई पॉइंट यहां हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x की p से दूरी x के q की दूरी से बराबर है ही नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली सोचो कहाँ पर हो सकता है? सेंटर से हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ, तुमने डॉटेड रख दिए ना, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है पर यहाँ पर भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप रखते हो तो स्पेशल कंडीशन हो जाएगी, दे आर कोलिनियर, तो कोलिनियर की कंडीशन तो दी नहीं चाहिए एक ही लाइन में हो। तो हम लोग जनरलाइजेशन में उस पॉइंट को कहाँ एज्यूम करेंगे? उस पॉइंट को एज्यूम करेंगे यहां पर, मान लेते हैं ए, और इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा एक खास बात क्या है,
कि पॉइंट ए कहाँ लाई जा रहा है, एक्स एक्सिस पर। ये पता है कि पॉइंट ए कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए अब थोड़ा सा क्लू देते हैं सर, आपसे बताओ एक्स जीरो इज राइट आंसर, क्योंकि आप ए कॉमा जीरो भी बोल सकते हैं, एक्स कॉमा जीरो बोल सकते हैं, पर्टिकुलर फाइव कॉमा जीरो नहीं बोल सकते, तो स्पेशल केस हो गया। कोई भी पॉइंट होगा, पॉइंट कहाँ हमको पता नहीं, लेकिन इसी के स्थिति में कहीं है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है, तो श्योर है कि जो भी एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, फाइव कॉमा जीरो, सेवन कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो ही होता है। और वाई एक्सिस का अगर पॉइंट होता तो जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा वाई, ऐसे होता कि नहीं। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है, तो इसका रिजल्ट है कि हम एज्यूम करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक्स कॉमा जीरो। ये समझ में नहीं आया था, ज्यादा जल्दी से बता दिए हैं क्या, समझ गए हुआ? कोई भी पॉइंट, जैसे हम लोग एक्सिस का पॉइंट लेते हैं ना, जैसे हम आपसे पूछे बताओ टू कॉमा जीरो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 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 किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता, ये बाउंड्री पे लाई करता है, वो बाउंड्री है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बोलने वाले करेक्ट है, समझी मेरी बात। सेवन कॉमा जीरो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस। जीरो कॉमा फाइव कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस। टू कॉमा थ्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में पूछा जाए तभी भी आप क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कोई बच्चे ये अक्सर इसको फर्स्ट बोल देते हैं, कहते दोनों प्लस है, दिख भी रहा दोनों प्लस, जबकि जीरो तो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्स है, तो आपने यहाँ देख क्या देखा, ये पॉइंट एक्स कॉमा जीरो ही आप एज्यूम कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई नहीं कर सकते। एक्स कॉमा वाई तब करते जब ये ना दिया होता कि एक्स एक्सिस का पॉइंट नहीं, अगर ये ना दिया होता तो हम एक्स कॉमा वाई एज्यूम करते। आगे बढ़े, अब ये कंडीशन है जो P A से P की डिस्टेंस और A से Q की डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंट कर रहा मतलब बराबर दूरी पर, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन क्या दी गई है, डायग्राम जरूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाओ, रफ डायग्राम ये हुआ P A P इक्वल टू A Q, ये क्यों हमने लिख दिया, ये हमको पता है, ये हमको पता है कंडीशन। आगे बढ़े, अगर हम चाहें तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको एग्जांपल देखो, 4 इक्वल टू 4 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 16 इक्वल टू 16 भी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ो, तो वैसे यहां भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब AP स्क्वायर, AP क्या है, व्हाट इज AP, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन वाला नहीं, AP है क्या, देखिए आपके मन में क्या विचार, A से P तक की डिस्टेंस, AP इज अ डिस्टेंस, करेक्ट, A से P के बीच की डिस्टेंस, AP क्या है, AP डिस्टेंस ही तो है, ध्यान से देखो, AP डिस्टेंस ही तो है। अब AP डिस्टेंस है, AP का फार्मूला हम लोग जानते हैं, AP स्क्वायर कितना होगा, AP स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, हमको रूट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विवाद क्यों लगाएं, क्लियर है बात ना। तो दिस इंप्लाइज AP की वैल्यू हम ये लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, वही फार्मूला इधर भी लिख देते हैं, कोई समस्या, बस क्वाड्रेंट अलग अलग चूज करेंगे, ध्यान रखें, रखेंगे इसका भाई,
यहां पर फार्मूला अंडर केसर अंडर रूट कहा गया, अंडर रूट गायब हो गया ना, स्क्वायर का रूट है, चला गया। एक्स टू माइनस एक्स वन अप्लाई करो पी ए में, ए पी में माइनस फाइव, आप अप्लाई करो सर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस प्लस जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है? यस सर। कितने क्या होगा सर? जीरो प्लस फाइव, जीरो प्लस फाइव, जीरो प्लस फाइव ना, ध्यान से देखो माइनस इनटू माइनस दैट विल बी प्लस, यही गलती हो जाती है बच्चों से। ये सब क्वेश्चन आएंगे एक नंबर वाले हैं ये सब, इनको कैलकुलेशन आपको करके तब आपको आंसर देना पड़ेगा। हाँ इधर क्या हो जाएगा, अब इधर आ जाते हैं, इसके लिए, इसके लिए कौन अप्लाई करें, दुबे जी आप एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस नाइन माइनस नाइन, ठीक है ना, ठीक है आगे बढ़े। चलिए ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सुहानी बताएं क्या लिखूं मैं, एक्स माइनस टू स्क्वायर, तुम बोलो सोचने के लिए एक्स स्क्वायर शायद, अब बोलो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स, नहीं सॉरी माइनस फोर एक्स, जो आप बोलोगे मैं वही लिखूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा बाद में, आगे बोलो कई बच्चे यहाँ पर भी लगा देते हैं कि जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव, अरे घर जीरो प्लस फाइव फाइव हुआ दैट इज ट्वेंटी फाइव, ठीक। ये सारी चीज़ें जो आप नहीं बता पा रहे हो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर जा रहा है नाम भी जा रहा हो, जब जाएगा तो अच्छा तुमसे पूछे तो सर बता नहीं पाए, इसलिए ध्यान रखना। हाँ जी आगे अनुष्का स्नेह, आप बताओ नाम क्या तुम्हारा, हिमांशु, चलो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, चलो आप बताओ सर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस प्लस नाइन एटी वन प्लस एटी वन माइनस एटी प्लस, ठीक है कुछ कैंसिल हो रहा है yes, जो कट रहा उसको निपटा देते हैं, फोर भी काट देंगे जो आसानी से हो रहा है, फोर एक्स भी काट दें, ये वाला फोर एक्स इधर ट्रांसफर कर लो हो जाएगा माइनस एट एक्स, और ट्वेंटी फाइव को उधर कर दो हो जाएगा एट्टी वन माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस एट एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा जरा बताओ तुम, 81 माइनस 25, 56, पता नहीं यहां तक आ रहा है कैमरे में कि नहीं, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7। आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि देखते हैं क्या गड़बड़ी होती है और क्या बनता है, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा ना। एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, अच्छा हमारे दिमाग में हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, पूछा था बताइए वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पर, तो हम जान गए उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो किस फॉर्म में होगा, समझ गए थे, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सो माइनस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज माइनस सेवन कॉमा जीरो, क्योंकि ये आंसर लिखना बहुत जरूरी, पूछा क्या क्वेश्चन आप लगा दिए आंसर नहीं बता रहे हो, तो ये चीज आपसे जो भी क्वेश्चन जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है तो आप उस क्वेश्चन को समझ लें। मैथमेटिक्स को पढ़ने मैथमेटिक्स मैं वही नील बटा सन्नाटा वाला मूवी की कल बात